पूर्व सीएम उमा भारती एक बार फिर से प्रदेश में शराबबंदी को लेकर अपने बयान से पलटी हैं। पहले जहां पर उन्होंने ये कहा था कि 8 मार्च से वो टीकमगढ़ में शराब की दुकान बंद करवाकर प्रदेश में शराबबंदी की शुरुआत करेंगी, तो वहीं अब उन्होंने कहा है कि 8 मार्च को तो शराबबंदी की नीति तय करने के लिए भोपाल में मीटिंग करेंगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शिवराज सिंह और वीडी शर्मा भी शराब के उतने ही खिलाफ हैं, बस उनको दिक्कत ये है कि राजस्व की भरपाई कहां से होगी, इसलिए अभी ये तय हुआ है कि इसको क्रमिक करें, इसके लिए एक सूची बनाएंगे, नियम विरुद्ध खोली गई दुकानों को पहले हटाया जाएगा। नहीं, 8 मार्च को तो कुछ महिलाएं जो इसके बारे में नीति तय करेंगी वो बैठेंगी भोपाल में। सरकार से बात हुई है, शिवराज जी और वीडी शर्मा जी भी शराब और नशा के उतने ही खिलाफ हैं जितने कि मैं खिलाफ हूँ। यही तय हुआ कि इसको क्रिमिक करें और सबसे पहले कम से कम जहाँ नहीं होनी चाहिए यदि वहाँ है तो पहले वो हटे, तो उसकी एक सूची बने कि ये जगह ऐसी है जो नियम के विरुद्ध है। तमाम जानकारी के साथ टीकमगढ़ से मेरे सहयोगी आरबी सिंह इस वक्त लाइव मौजूद हैं। आरबी सिंह, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिला और जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ है, उमा भारती लगातार फर्स्ट डे से ही कह रही है बात कि हम शराबबंदी करेंगे प्रदेश में और इसको लेकर अभियान चलाया जाएगा, लेकिन पहले जो बयान दिया गया था अब उन्होंने इस बयान को बदल दिया है और ये कहा कि दरअसल पहले मीटिंग होगी, क्रमिक ढंग से तमाम चीजें होंगी। जी प्रिया जी, आपको बता दूं कि उमा भारती ने पहले भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में शराब पूर्ण शराबबंदी की हो जाना चाहिए और इसकी शुरुआत वो स्वयं अपने गांव पैतृक ग्राम डूड़ा से करेंगी 8 मार्च को। लेकिन आपको बता दूं कि आज उन्होंने इस अपने बयान से पलटते हुए कहा कि इसके लिए एक महिलाओं की बैठक होगी भोपाल में और उसके बाद एक नीति तय की जाएगी और उसके बाद कोई घोषणा आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने इस बात के लिए भी कहा कि इस संबंध में शराबबंदी को लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी शराबबंदी को लेकर सहमत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जो रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू से जो साथ की योजनाएं हैं उनमें जो पैसा जाता है वो इसी से रेवेन्यू आता है और अगर ये बंद होगी तो इससे रेवेन्यू की भरपाई कैसे कर पाएंगी। जी लेकिन आरबी सिंह, सवाल यहाँ पर ये है कि एक तरफ सरकार नई शराब नीति को लेकर आगे बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर उमा भारती ने ये बात कह दी है, अब आगे तमाम चीजें कैसे होंगी, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब लेते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा भी लगातार बने हुए हैं भोपाल से। राहुल, क्योंकि देखिये जिस तरीके से पूरी घटना घटी है, विपक्ष भी तमाम तरह के आरोप लगा रहा है शराबबंदी को लेकर सियासी जंग, लेकिन अब उसमें उमा भारती ने जिस तरीके से एंट्री मारी है, सरकार तो नई आबकारी नीति को लेकर आगे बढ़ रही है, उमा भारती ने जो सवाल उठाए और इसके तहत अब वो फुल फॉर्म में नजर आ रही है, अब यहां से तमाम चीजें कैसे बढ़ेंगी आगे? राहुल देखिए, उमा भारती ने 8 मार्च के लिए कहा था कि 8 मार्च को वो पदयात्रा निकालेंगे शराबबंदी के खिलाफ लेकर, क्या शराब के खिलाफ में पूरा यात्रा निकालेंगे, जिसको कि अभी इस समय स्थगित कर दिया गया। और इसके पीछे कारण भी है कि जिस दिन मुख्यमंत्री को सीधी जाना था, सीधी जाने के पहले मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी यहाँ उमा भारती से, भोपाल में मुलाकात की थी, तकरीबन वो 15 से 20 मिनट मुलाकात जब किया था उसी समय, तो उसी समय इंडिकेशन हम लोग को मिल गया था कि यहाँ पर दोनों के बीच में जो 8 मार्च की पैदल यात्रा जो निकालने की उमा भारती का है उसमें कहीं सीधे तौर पे उसको उससे संबंधित यहाँ पर बातचीत हुई है उमा भारती की, क्योंकि बीडी शर्मा से भी बात हुई है, प्रदेश अध्यक्ष से भी बात हुई है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे, वहां पर मुलाकात हुई थी। उसके बाद से क्लियर इंडिकेशन लगना था कि उमा भारती कहीं सीधे तौर पे अपनी जो पदयात्रा है उसमें उसको अभी फिलहाल रोक सकती हैं, और वही चीज आज देखने को भी मिला है कि उमा भारती ने अभी फिलहाल के लिए रोक दिया है। लेकिन जो उनका तेवर है सीधे तौर पे शराब की नीतियों को लेकर के, शराब को लेकर के उन्होंने अभी भी जायज रखा है, कायम रखा है उसको, वो अभी भी कह रही हैं कि इसमें सीधे तौर पे उस पर अंकुश लगाना चाहिए। और लेकिन एक बात और जरूर इन्होंने कहा है कि खुद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी इसके खिलाफ हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि प्रदेश सरकार के लिए जो दिक्कत आती है वो राजस्व को लेकर के सबसे बड़ी दिक्कत आती है कभी भी, क्योंकि जो शराब है इसे शराब से कहीं सीधे तौर पर राजस्व का काफी ज्यादा फायदा स्टेट को होता है,
और राजस्व को जब स्टेट को फायदा होता है तो उसमें एक अहम रोल शराब करती है, तो यदि शराबबंदी की जाती है, शराब को यदि कहीं सीधे तौर पर रोका जाता है, तो जो उस राजस्व का घाटा होगा, उस राजस्व का घाटे को किस तरीके से भरपाई किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर होगा। तो यही कारण है कि यहाँ सीधे तौर पे उमा भारती अभी तो फिलहाल के लिए दिखाया जाए, क्योंकि प्रदेश की सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी होती यदि उमा भारती पदयात्रा के लिए निकलती, तो उस प्रदेश सरकार के लिए यहाँ पर दिक्कतें जरूर होती, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कहा जाए कि उनके रोकने से, उन्होंने जो अभी माइंड चेंज किया है, उससे कहीं सीधे तौर पे जो अपनी सरकार को घेरने की जो कवायद थी उसमें कहीं रोक जरूर लगी, लेकिन इसका एक अस्थाई प्रयास करने की भी बात यहाँ उमा भारती ने कहा है कि अस्थाई प्रयास करना चाहिए, और उस राजस्व का जो घाटा होगा उस राजस्व की कैसे भरपाई होगी इसको सरकार को देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए फिलहाल के लिए तो उसे टाल दिया गया है, लेकिन जो तेवर उमा भारती दिखा रही है, क्योंकि लगातार वो इस बात को लेकर आगे बढ़ रही है, और जिस तरीके से उनके तेवर है उसे लगता नहीं है कि वो इस मुद्दे को लेकर वो शांत बैठेंगी, ऐसे में विपक्ष भी लगातार हमलावर है कि अब सरकार को उनके अपने ही घेर रहे हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है राहुल कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, बातचीत के जरिए इस पूरे मुद्दे का कोई ना कोई हल तो कम से कम निकले। देखिए फिलहाल के लिए कहा जाए, क्योंकि उमा भारती यात्रा पे निकलती तो खुद क्योंकि सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ जाती, क्योंकि पार्टी के ही अंदर से इसको लेकर के विरोध पूरी तरीके से होता। राहुल आप कंटिन्यू कीजिएगा, राहुल आप कंटिन्यू कीजिएगा, फिलहाल मैं आपको रोक रही हूँ। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस बीच हमारे साथ जेपी धनोपिया साहब जुड़ गए। धनोपिया साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। धनोपिया साहब, ये मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है, उमा भारती जिस तरीके से आक्रामक नजर आई, उन्होंने कहा था कि पदयात्रा निकालेंगे, लेकिन अब वो पीछे हट गई हैं, मतलब उन्होंने कहा है कि हम फिलहाल मीटिंग करेंगे उसके बाद कोई फैसला लेंगे, कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देखती है? हम तो उमा भारती जी के बयान में पहले ही बोल रहे थे कि नजरबस्ती है, उमा भारती भारतीय जनता पार्टी से चूंकि दरकिनार कर दी गई है, उनको लोगों ने बाहर निकाल दिया है, प्रदेश से बाहर निकाल कर दिया, तो वो एक प्रेशर की राजनीति करती है, और जैसे राजनीति करने के लिए दबाव बनाने का बात नहीं है, हमें पहले ही मानता है वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी एक बिल्कुल साफ तौर पर मानसिकता है, पूरे अपना काम करना होता है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान पर और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की भी इस तरह की बातें करी। धनोपिया साहब लेकिन अपनी ही पार्टी पर दबाव बना रही है, आपको ऐसा लगता है? अरे वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत घर निकाला कर दिया, देश निकाला कर दिया, इस तरह उनके सारे पूरे काम धंधे सब चौपट हो गए, मध्य प्रदेश से बाहर निकाल दिया, ऐसी स्थिति में करती क्या, तो उनको खुद को मालूम पड़ा गया उनकी स्थिति बहुत मट्टी पर हो रही है, इसलिए उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी वापस अपना स्थान बनने के लिए ऐसी बयानबाजी करें कि इससे लोग घबरा जाए, तो लोग घबरा गए। निश्चित रूप से आज जो स्थिति है साफ तौर पर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति में है, और उमा भारती के साथ उन्होंने सेटिंग कर ली होगी, और उमा भारती जी को उन्होंने कन्वेंस कर लिया होगा कि वो कुछ इस तरह का वो करें। ठीक है धनोपिया साहब, अब बने रहे हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ राजेश सोलंकी भी जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सोलंकी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी सोलंकी साहब, उमा भारती ने ये बात तो कही थी लेकिन आप लोगों ने मना तो लिया है, 8 मार्च को शराबबंदी को लेकर वो मीटिंग की बात अब कहने लगी है। मुझे लगता है कि बीच में मुख्यमंत्री जी ने उनसे मुलाकात की थी उमा जी से, और इसलिए बीच में जो कहीं से बात आई थी कि शराब की कुछ काउंटर्स की दुकानें ऐसी खुलना है और कुछ दुकानों में से दुकान खुलेंगी, इसलिए उनका विरोध था। मुझे लगता है मध्यप्रदेश सरकार ने नई दुकानें खोलने की नीति को भी ड्रॉप किया ही है, उनको इसके लिए सहमत करा दिया होगा कि नई दुकान हम नहीं खोलेंगे, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ाने की या उसको मुलतवी करने की बात कही है। उमा जी भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए वो मान ली ऐसा मैं मानता हूँ। सोलंकी साहब, हमारे साथ कांग्रेस के नेता जेपी धनोपिया साहब भी जुड़े हुए हैं। धनोपिया साहब ने ये आरोप लगाया कि दरअसल जो उमा भारती तो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहती थी, प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने ये बात कही थी। नहीं मान लिया, अगर इसके लिए वो प्रेशर बना रही होंगी कि दुकानें शराब की नहीं खुली तो सरकार ने मान ली, भाई उमा जी को कि सरकार के ऊपर कोई दबाव बनाने की जरूरत नहीं है, अगर चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हमारी वरिष्ठ नेता है, वैसे भी कोई मुख्यमंत्री को अपनी बात कहेंगे तो वो वैसे मान लेंगे, दबाव बनाने की कौन सी बात है। ये दबाव बनाने का तो कांग्रेस में चलता है, दूसरे का दबाव नहीं चल पाया तो पार्टी छोड़ दी, इसलिए ये कांग्रेस में चलता है। हमारे यहाँ पर जो बड़ा उसका सम्मान देते हैं, छोटों को हम लोग प्यार देते हैं, और श्री उमा जी ने अपनी बात शिवराज जी को बताई, उन्होंने मान ली, वो उसकी नई दुकानें नहीं खोल रहे, दबाव वाली बात होगी ऐसा हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता।
धनोपिया साहब जवाब दीजिए। सोलंकी साहब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ों का सम्मान होता है, छोटों को प्यार दिया जाता है, और ये जो दबाव है वो कांग्रेस में होता होगा, ये कहना है सोलंकी साहब का। भार किया था यहाँ तक कि झांसी से उनको विधायक बन के आना पड़ा था, झांसी पर चरखारी से जो उत्तर प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश से उनका निकाला कर दिया गया था, किस तरह से उनको बेइज्जती करके कांग्रेस पर हटाया गया था। उनको हालात बने हुए हैं, निश्चित से बदला लेने की स्थिति में वो दवा बनाती रहती है अपने लोगों को काम कराने के लिए, और उसी की पढ़ी थी कि तरह उन्होंने कहा अब दो दिन क्या हो रहा है, उस दिन नहीं मान था कि राजस्व की हानि होगी, आज मानू पड़ेगा राजस्व की हानि होगी। ये सब मिली हुई दुदा पुष्टि है, इस तरह से लोगों को गुमराह करने की राजनीतिक गतिविधियां हैं। ठीक है सोलंकी साहब, इसका जवाब दीजिएगा। नहीं अभी ऐसा कोई न चुनाव है न कोई ऐसी बात है, आखिर मध्य प्रदेश में लोगों की हम लोग सेवा कर रहे हैं, हमारी सरकार है, क्यों हम गुमराह करेंगे किसी को, और गुमराह जनता को ज्यादा समय तक किया भी नहीं जा सकता। गुमराह करने का प्रयास राजनेता अगर करते हैं तो वो जनता को अगर लोग बिल्कुल समझते तो वो गलत है, इसलिए अभी कोई गुमराह करना या इस प्रकार के जनता को प्रलोभन देना ये ना हमारी नीतियों में अभी इसकी कोई मुझे लगता है आवश्यकता भी नहीं है। धनोपिया जी कुछ उनका कोई व्यक्तिगत गुस्सा होगा जिसको निकालने के लिए इतना कह रहे हैं, लेकिन उमा जी का पार्टी में सम्मान है और जनता को गुमराह करने का भारतीय जनता पार्टी तो कभी नहीं करती। ठीक है, उमा जी का पार्टी में सम्मान है और वो अपनी बातों को रख सकती है, ये कहना है आपका। राहुल मिश्रा भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राहुल आप भी कुछ सवाल पूछना चाहें इन दोनों नेताओं से। सोलंकी साहब आपसे एक सवाल ये जरूर रहेगा कि आखिर में जब कहा गया, क्योंकि दोनों की जब बैठक हुई थी और दोनों की बैठक हुआ था, दोनों की बैठक होने के बाद, क्योंकि जिस दिन सीधी जाना था मुख्यमंत्री को सीधी जाना था, सीधी जाने के बाद ही क्यास लगाने लगे थे कि ये कहीं सीधे तौर पे इस पे रोल बैक यहाँ पर होगा। जो कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाने की जो बात कही जा रही है, कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाने की बात कही जा रही है, क्या इसमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि सही में उमा भारती ने जो बयान दिया था, पदयात्रा निकालने के लिए बयान दिया था, वो एक दबाव की राजनीति ही पूरी तरीके से थी यहाँ पर, और दबाव बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई थी, और कहीं एक सीधे तौर पे शराबबंदी को लेकर के एक ठोस निर्णय यहाँ पर करना चाहिए पार्टी को? नहीं देखिए, मध्य प्रदेश की अभी राहुल जी जो स्थिति है तो कांग्रेस सरकार भी नहीं कर पाई, अभी टैक्स के बाद और कोरोना के कारण शराबबंदी निर्णय तो मध्य प्रदेश करने की स्थिति में नहीं है, ये तो हम जनता के काम ही नहीं कर पाएंगे, लोगों के काम ही नहीं होंगे, इसलिए आबकारी के तहत जो कर आता है वो राज्य शासन को जाता है, मध्य प्रदेश का सवाल है, सरकार बीजेपी की और कांग्रेस की बहुत आवश्यक है। लेकिन आपका जो पहला जो आपने शुरुआत की थी उमा जी के ऊपर, मैं अगर कह रहा हूँ कि शराब की नई दुकान न खुले, इसके लिए उन्होंने लेकिन अगर माना उन्होंने किया भी इसके लिए, जो मैं पदयात्रा निकालूंगी, ये शराब की दुकान नहीं खुलना चाहिए या आप शराबबंदी की ओर आगे बढ़िए, तो इसमें क्या गलत है? मैं जनता के जागरूक करने के लिए अगर वो पदयात्रा निकालती तो सरकार का जाकर बात मनवाने के बाद तो उमा जी का आप भी राहुल जी जानते हो सम्मान है, उनकी बात को कौन टालता है? कभी नहीं टाला। देखो शराबबंदी और भी कोई बात वो कहती है तो उसको सरकार मानती है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के मध्य में तो सवाल। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल आपका, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सोलंकी साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जेपी धनोपिया साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आरवी सिंह आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए उमा भारती अपने बयान से तो यहाँ पर जरूर पलट गई है, लेकिन आने वाले दिनों में इस प्रकरण में और क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आती, किस तरीके से रणनीति बनती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल वक्त हो गया।